Hello students, this is Ankit from Kailasha Foundation Funnel Learn Portal. Probability series, most awaited lecture, lecture 4, आपका आ गया है आपके सामने और इसमें हम लोग को पढ़ना है conditional probability. उसके बाद total probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद अपना है टोटल प्रोबेबिलिटी. उसके बाद है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आज के वीडियो में पढ़ना अपने को, ठीक है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखिए ज़रा. जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी. तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे इसको पढ़ते हैं ए गिवन बी ए गिवन बी ए गिवन बी, ये ऐसा नहीं है. यह है प्रोबेबिलिटी ए given B मतलब probability of A when B is sure या फिर when B is given या फिर when B has already occurred, इस तरह का. probability of what? probability of A. तो focus आपका A पे होना चाहिए, ठीक है. मतलब कि B की जितनी possibilities हैं उसमें से A जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपको देखना है ना. जैसे a die is rolled an even number comes what is the probability that it is a prime, what is the probability that it is a prime. ये क्वेश्चन है. तो भैया डाई को रोल किया गया है, इवन नंबर आता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम. तो बिना कोई फार्मूला बिना कोई झंझट के अगर इस क्वेश्चन को देखना हो तो देखो क्या होता है कि इवन नंबर आया है मतलब अपना सैंपल स्पेस छोटा होगी. तो इवन नंबर आया तो क्या क्या हो सकता है अपना चांस, दो या चार या छः. अपने को उसमें से क्या चाहिए, प्राइम. तो अपना केस क्या हो गया, केवल ये. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अपना एक केस बटा तीन केस. प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो गई एनी बाई एन एस, यानी कि 1/3. लेकिन फार्मूला अप्रोच क्या होगा, तो फार्मूला होता है इसका, फार्मूला हो जाता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ठीक है. तो सबसे पहले गिवन क्या है, इवन नंबर कम्स. तो ये क्या हो गया, नॉर्मल केस. ये हम लोगों ने स्पेशल केस कंसीडर करके क्वेश्चन बना लिया. नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. गिवन क्या है, इवन नंबर कम्स. तो गिवन बी मतलब बी अपना हो गया इवन नंबर, यानी कि 2 4 6. ए क्या है, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, बस यही कॉमन है 2.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा 1/6, और पी बी बी का क्या होगा 3/6, तो 1/6 बटा 3/6, 6 और 6 कट गया, कितना आया 1/3, ठीक है, तो दोनों तरह से यहाँ से भी अपना 1/3 आया, यहाँ से भी 1/3 आया, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम था। वर्ड प्रॉब्लम जब दिया रहे, जब इतनी आसानी से क्वेश्चन बन रहा हो, तब फार्मूला का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब ए और बी के टर्म में ही बात करें तब तो फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा ना, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब आता है इंडिपेंडेंट नंबर का के, इंडिपेंडेंट इवेंट का केस। मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि चेन्नई में बारिश हो रही है तो नाइजीरिया में ज्वालामुखी फटने का क्या चांस है, तो भैया नाइजीरिया में ज्वालामुखी फटने के चांस को चेन्नई में होने वाली बारिश से क्या लेना देना, यानी कि पहले जितना चांस रहा होगा अभी भी उतना ही चांस रहेगा। जी हाँ, याद रहे, पहले जितना चांस रहा होगा अभी भी उतना चांस रहेगा, ये नहीं कि जीरो हो जाएगा। अभी कुछ लोग बेध्यानी में जीरो इफेक्ट को जीरो प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, चेन्नई में होने वाली बारिश का नाइजीरिया पे इफेक्ट जीरो पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी जीरो हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो उतनी रहेगी जितनी थी, यानी उससे अनअफेक्टेड रहेगी, उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ए हो गया मेरा चेन्नई में होने वाली बारिश, और बी हो गया नाइजीरिया में फटने वाला ज्वालामुखी, या ठीक है, तो ये दोनों इवेंट को एक दूसरे के होने से लेना देना नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी जैसे आप एक सिक्के को दो बार उछालिए, तो पहली बार हेड आया या टेल, उससे दूसरे को क्या लेना देना, दूसरी बार तो इंडिपेंडेंटली रिजल्ट आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, याद करो मैंने क्या सिखाया था, ए गिवन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब ए का निकालो बी दिया हुआ है, मतलब ए से तुमको मतलब है बी जाए बाहर में, हाँ बी दिया हुआ है तो दिया हुआ है, क्योंकि ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ए का, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ए का, दिया हुआ क्या है बी, कि बी हो रहा है, बी हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है तो भी, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है ए का, वो तो उतना ही रहेगा जितना था, यानी कि पी ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन और व्हेन बी इज नॉट गिवन, जब दोनों इंडिपेंडेंट ही हैं तो ए का प्रोबेबिलिटी तो ए का प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नाउ ये तुम्हारा पहला पॉइंट, तुम किसी भी तरह के इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो या नहीं हो, कैसा भी इवेंट हो, उसके लिए एक रूल अभी अभी पड़े हो, वो क्या है ये, ठीक है। अब ये जो वन में था इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फॉर इंडिपेंडेंट कितना हो जाएगा, फॉर इंडिपेंडेंट लगाना पड़ेगा ना, पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक रूल आ जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। याद रहे ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए आया है, सबके लिए नहीं आया। तो चलिए हम कुछ चीज़ें लिस्ट करते हैं, ये देख लीजिए आप लोग एक बार ठीक से, अब हम कुछ चीज़ें लिस्ट करते हैं। चलिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स,
इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, ए और बी के साथ में होने के चांसेस खत्म। म्यूचुअली, ये म्यूचुअल नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये वन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो होगा, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन होगा। इन जनरल अगर तीन चार इवेंट हों, इन जनरल अगर तीन चार इवेंट हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी जैसा भी कुछ दिया रहे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी तो हम लोग ए और बी दो ही इवेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि चार इवेंट्स हैं चाहे पांच इवेंट्स, तीन को समझाते हैं तो समझ जाओगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ये, वन टू थ्री का समरी है, पहले भी हमने प्रोबेबिलिटी का तीन वीडियो और निकाला है, काफ़ी वेट कराया हमने आपको, ये आपका चौथा वीडियो आया है, सही टाइम पे आया क्योंकि आपका सीपीटी का एग्ज़ाम, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आ गया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में अगर जनरलाइज कर दें, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कर दें तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वन, चार चीज़ होगा तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बराबर, ये यूनियन का हो गया, इंटरसेक्शन में तो जीरो होगा ही क्योंकि एक्सक्लूसिव भी लगा ही हुआ है, और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि टोटल तो वन आएगा ही, ठीक है, तो ये जनरलाइज हो गया फॉर्मूला। तो अभी हमने यहाँ पे चार चीज़ें देख ली, अब पाँचवा आता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अभी अभी हमने डिराइव भी किया था लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, उसके बाद अगर तीन हो तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है, उसके बाद आपका है एडिशन थ्योरम, ये किसी भी तरह के इवेंट्स के लिए, एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल रूल जो सब जगह लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपना एडिशन थ्योरम हो गया, ठीक है, हाँ चलिए एडिशन थ्योरम, इसका सब जगह काम पड़ेगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसको बदल के हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे एज पर सिचुएशन, अगर एक्सक्लूसिव होगा तो इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है,
तो सिचुएशन वेरी करती जाएगी, अपना फॉर्मूला वेरी करता जाएगा, ये यूनिवर्सल फार्मूला अपना है सारे केसेस के लिए, है ना। एडिशन थ्योरम, अब हम लोग जो पढ़े हैं उसको छठा पॉइंट में लिख लेते हैं। ये छठा तो ये था, अभी अभी हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। और लास्ट नियम आपका आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉज, ये एक्चुअली सेट थ्योरी के नियम है। ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, इस पे अगर नॉट लगा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। और अगर ए यूनियन बी पे नॉट लगा हो तो इसका मतलब होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कभी हमको ऐसा निकालना पड़े ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी बस निशान उलट जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, और प्रोबेबिलिटी में जब नॉट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वन माइनस, तो वन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब क्या होगा, वन माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। ये अपना आठ चीज समरी के तौर पे आप लोग जमा कर लेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए ये। चलिए अब जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर के। राइट डाउन करेक्ट आंसर्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग कंटेनिंग 5 white and 7 black balls एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, चाहे बाहर में वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले निकालेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है कि 5 और 7 12 balls में से 2 ball निकाली गई, तो एन एस कितना हो जाएगा, 12C2। एन ई कितना हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर का चाहिए, डिफरेंट कलर का चाहिए मतलब 5 white में से 1 और 7 black में से 1, 5 white में से 1 and 7 black में से 1, तो यह आएगा 5 यह आएगा 7, मतलब 5 × 7 = 35 बाई 12C2, वैल्यू निकालिएगा आएगा 66। व्हाट इज़ द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7, इस थ्रोइंग 7 का मतलब है सिंगल, 2 dice है ना, 2 dice को एक बार उछाला गया, सिंगल कास्ट 2 dice को एक बार उछाला गया, तो 7 फेंकने का मतलब है कि दोनों का सम, तो देखो डाइस में क्या होता है, 1 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके फिर 1 6 तक अपन जाते हैं, फिर 2 1 2 2 करके जाते हैं, ठीक है, उसके बाद लास्ट में 6 1 6 2 करके जाते हैं और 6 6 तक जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना केस होता है, 36, ओके। और अपने को 7 चाहिए, 7 किस में होगा, तो देखो इस लाइन में सब में होगा यानी 6 केस, उसके बाद इस वाले लाइन में क्या होगा, इस लाइन में जो सबसे पहले 5 1 होगा इसमें नहीं होगा, बाकी में 7 होगा, तो इस लाइन में 5 केस, 6 और 5 11, फिर इस लाइन में 4 केस, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 6 5 4 3 2 1, टोटल कितना आया, 21 21 बटा 36, मतलब 7 बटा 12, काउंट कर लेना, ठीक है। अब चलते आगे,
what is the chance of getting at least one defective item, at least one defective item, if three items are drawn from a lot containing six item, of which jayate lene, a lot of six item and three items are drawn. तो सबसे पहले NS निकाल लेते हैं, छः में से तीन चीज़ें निकाली गई, ठीक है. कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम का मतलब होता है जीरो डिफेक्टिव आइटम नहीं निकाला गया, जीरो से ज़्यादा निकाला गया, यानी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन डिफेक्टिव. इसका वैल्यू क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, ठीक है. ओके, यानी कि वन माइनस जीरो डिफेक्टिव वाला केस बाय 6C3. जीरो डिफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो देखिए छः आइटम में से दो आइटम डिफेक्टिव है, मतलब चार अच्छे हैं, यानी जो तीन आइटम निकाले गए वो तीनों के तीनों किस में से निकाले गए होंगे, तीनों के तीनों किस में से निकाले गए होंगे, इन्हीं चार गुड आइटम्स में से निकाले गए होंगे, ठीक है. जीरो डिफेक्टिव का अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो तीनों आइटम गुड में से निकाले गए, तभी ना नो डिफेक्टिव, ठीक है. यानी वन माइनस फोर बाई छः पाँच चार ट्वेंटी, हाँ ये अपना हो गया 1-0.2 यानी कि 0.8, ये अपना आंसर हो गया 0.8. टू अनबायस्ड डाइस आर ऑल टुगेदर गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ, नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स का मतलब सेम नंबर दोनों डाइस पे होना चाहिए, मतलब क्या क्या 1-1 उसके बाद 2-2 से लेके 6-6 तक, कितने केस बने 6, टोटल कितने होते हैं 36, तो 6/36 यानी कि 1/6. ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट एग्जॉस्टिव, तीनों हैं तो भैया एक साथ ऑकर होने का चांस, जब एक्सक्लूसिव है ही बाकी को बाकी जाए भाड़ में, एक्सक्लूसिव है ना तो एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी कहाँ से होगा, तो जीरो हो जाएगा. जब एक्सक्लूसिव है तो एक साथ हो ही नहीं सकता. 10 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 इन अ बॉक्स, एक को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, एक से 10 तक में ऑड नंबर ग्रेटर देन 4 क्या क्या होता है, 5, 7, 9, यानी कि तीन केस, तो 3/10 यानी 0.3, ठीक है. इस वाले क्वेश्चन का जो CPT के बच्चे हैं, CA फाउंडेशन के बच्चे हैं, वो लोग जानते हैं, ये उनकी किताब का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है, चिंता मत कीजिए, ये 0.3 सही है. क्वेश्चन नंबर सेवन है, फॉलोइंग आर द वेजेज ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज, 8 वर्करों की तनख्वाह है, ये सब चीज़ जैद तेले ने, वन ऑफ द वर्कर्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि 8 में से एक वर्कर सेलेक्ट किया गया, तो टोटल केस बटा 8. चलिए, वेज वुड बी लोअर देन एवरेज वेज, यानी पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, इनका एवरेज कितना होगा, इन सभी को जोड़ के 8 से भाग देंगे, तो 2, 5, 7, 6, 13, 2, 15, 5, 20 टोटल आ गया अपना 400 बटा 8, एवरेज आ गया 50. अपने को क्या चाहिए, लोअर देन एवरेज वेज, कितने लोगों का है 50 से कम, 1 45 है, 1 32 है, 1 45 है, 1 40 है, 4 लोगों का है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.5, ठीक है. चलिए, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के लिए क्या बताया था, PA+PB+PC=1, PA+PB+PC=1. अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PA=2, PB=3, PC, जब तीन चीज़ें चार चीज़ें पांच चीज़ें इस तरह से बराबर में दी हुई हों, PA=2, PB=3, PC, इसको मान लेंगे K, ठीक है. अब पी ए बराबर अपना के हो जाएगा, 2 PB बराबर भी के हो जाएगा, 2 PB, ठीक है, और 3 PC बराबर भी
के हो जाएगा, ये तीनों की तीनों चीज़ें, ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा और ये भी के हो जाएगा। तो मान लिया जब तो टू इधर आएगा बटा में, तो पी भी बराबर कितना हो जाएगा के बाई टू, इसी तरह पी सी कितना हो जाएगा के बाई थ्री, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर कितना होता है वन, यानी कि के प्लस के बाई टू प्लस के बाई थ्री बराबर वन, ये हो गया छः सिक्स के प्लस थ्री के प्लस टू के बराबर वन, एलेवन के बाय सिक्स बराबर वन, के बराबर सिक्स बाई एलेवन, ठीक है। तो क्या अपने को के ही निकालना था, ज़रा देखते हैं क्या निकालना था। व्हाट इज़ पी बी, पी बी निकालना है। तो पी बी कितना है के बाई टू, यानी इसको दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा पी बी हो जाएगा के बाई टू, यानी थ्री बाई एलेवन, थ्री बाई एलेवन अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया थ्री बाई एलेवन, यही है ना सिक्स बाई ट्वेंटी, ठीक है। उसके बाद टू एलिमेंट्स ए एंड बी, पी बी बराबर जीरो पॉइंट थ्री, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। पी बी बराबर 0.3 ए बट नॉट बी, ठीक है। सॉरी, ये पकड़ लेते हैं x, ये y और ये z, ये अपना a है और ये b है। तो जब बात आती है पी बी की, तो पी बी का मतलब हो गया पूरा y प्लस z। तो y प्लस जेड कितना दिया हुआ है 0.3, ठीक है। उसके बाद a बट नॉट b, a बट नॉट b का मतलब ये, ठीक है, यानी कि ओनली x, ये कितना दिया हुआ है 0.4, नॉट a, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a दिया हुआ है 0.6, इसलिए 1 माइनस पी ए होता है, ये कितना है 0.6, घटाएंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा अपना 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, पी ए 0.4 का मतलब ए कितना हो गया पूरा, यानी x प्लस वाई बराबर 0.4। इन दोनों को यूज करें तो हमको पता चलेगा कि y तो 0 है, y तो कुछ है नहीं, क्योंकि x भी इतना है, x ऑलरेडी इतना है और इसमें y जोड़ने के बाद भी उतना ही है, तो y कितना आ गया 0। y क्या है इन दोनों के बीच वाला पार्ट, यानी कि a इंटरसेक्शन b, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 0, यानी कि ये एक्सक्लूसिव है और इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 0 आ रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है और एक्सक्लूसिव है। प्रोबेबिलिटी b का कितना है 0.3 और a का कितना है 0.4 बराबर नहीं है, इसलिए इक्वली लाइकली भी नहीं है, ठीक है। इस पूरे को जोड़ के 3 और 4 7 0.7 आ रहा है, यानी एग्जॉस्टिव भी नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव है, केवल एक्सक्लूसिव है। ये हो जाएगा अपना एक्सक्लूसिव, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12। इफ़ अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। 12 में से एक बॉल सेलेक्ट किया गया, मल्टीपल ऑफ 5 और 6 का मतलब हो गया 5, 6, 10 या 12, ठीक है। तो 4/12 यानी कि 1/3। चलिए आगे चलते हैं, देखिए टू इवेंट्स पी ए बराबर 3/5, फिर पी ए बराबर 3/4 दिया है, महाबकवास सवाल है, प्रिंटिंग एरर है, नहीं बन सकता है। ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बात कर रहा है, पूछा है। टू इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या हुआ, मिल तो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट लिखा है ना भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का क्या होता है, दोनों को गुना कर देंगे, 3/5
इंटू टू बाई थ्री, तीन तीन गुना होकर कितना आया टू बाई फाइव, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ए प्लस बी यानी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का यूनिवर्सल फार्मूला क्या होता है हम पढ़ाए थे, ये रहा अपना एडिशन थ्योरम, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए पी ए ए प्लस बी यानी कि पी ए यूनियन बी, ये हो जाएगा अपना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो अभी अभी निकाले हैं इंडिपेंडेंट वाले फार्मूला से। तो ये हो जाएगा अपना 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5, 3/5 प्लस 2/3 माइनस, एक मिनट, 2/3 माइनस 2/5। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 9, 10, 6, 13/15, ठीक है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी, पी बी इक्वल टू क्यू। तो देखिएगा पी ए गिवन बी क्या होता है, पी ए गिवन बी होता है अपना पी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ये वाला पार्ट, ये ए से तो छोटा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ए के बराबर हो जाएगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। यानी कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू पी ए बाई पी बी, नीचे वाले को हमने फिक्स रखा है, यानी कि पी बाई क्यू, यानी कि ये जो चीज़ है वो पी बाई क्यू से लेस देन या इक्वल टू रहेगी। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए गिवन बी लेस देन इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, ऐसे में क्या करेंगे भैया, ऐसे में ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इतना घटिया ऑप्शन नहीं देता है, किताब का प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, देखो ए नॉट यूनियन बी दिया हुआ है, ए नॉट यूनियन बी, ठीक है, ए नॉट यूनियन बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है दिखाते हैं तुमको, देखना। ए नॉट का मतलब क्या हुआ, ये अपना, ये जो था अपना ए था और ये बी था, ए नॉट का मतलब ए को छोड़ के ये पूरा, उसमें बी का जो बच गया वो भी मिला दो, मतलब ये भी मिला दो, यानी इतने का प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा है, यानी सिर्फ इसको छोड़ा है ना, टोटल कितना होता है 1 में से अगर हम ए नॉट यूनियन बी घटा दें तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, यानी कि ए माइनस बी, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए नॉट यूनियन बी है 5/6, इसको 1 में से घटा दें तो 1/6, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना आएगा, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है ये आएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे आ रहा है 1/6। इसको डायग्राम से बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये कितना आ रहा है 1/6, ठीक है, ये वाला 1/6 आ रहा है, ओके। उसके बाद पी ए है 1/2, पी ए, तो ये अगर मेरा x है, ये y है और ये z है, तो x कितना आ रहा है 1/6, x प्लस y कितना है 1/2, तो y कितना हो जाएगा घटा देंगे, 1/2 माइनस 1/6 कितना आएगा 1/3, ठीक है। तो पी ए मिल गया हमको, पी ए मिल गया 1/2, वाई किसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, ये ए है ये बी है, वाई किसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ये अभी अभी मिला है हमको कितना 1/3, और पी बी नॉट दिया हुआ है 2/3, बी नॉट दिया हुआ है 2/3, तो बी कितना हो जाएगा, एक में से घटा देंगे, तो पी बी आएगा
वन माइनस टू बाई थ्री यानी कि ये भी आ जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, जब तीनों मिल गया तो निकालने में क्या दिक्कत है, तो क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस इतना यानी कि वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, कितना आंसर आएगा, वन बाई टू, ठीक है। आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं। आपको पता है कि आपकी किताब में प्रिंटिंग एरर है बहुत सारा, है ना, तो ये तरीका था अपना निकालने का, ये बता दिए हैं अपन। 14 नंबर में आंसर 1 बाई टू होगा, हाँ ठीक है। और बाकी जिनके पास सी पी टी या सी ए फाउंडेशन की बुक है तो एडिशन चेंज होता रहता है, प्रिंटिंग एरर सुधरती रहती है, ये डिजिटल वर्जन है, पुराना है, तो इसमें हो सकता है कि आपके किताब में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो, इससे हटके हो, ठीक है, तो वो चीज़ एक बार देख लीजिएगा। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए यूनियन बी दिया है और पी ए दिया हुआ है, पी भी पूछ रहा है, ए यूनियन बी दिया है और पी ए दिया हुआ है, पी भी पूछ रहा है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट हो चाहे कुछ भी हो, एडिशन थ्योरम क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला होता है ना, पहला फार्मूला तो यही होता है। अब इसमें इंडिपेंडेंट का केस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, तो पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी कितना दिया है, टू ए टू बाई थ्री, और पी ए कितना दिया हुआ है, टू बाई फाइव, तो ये हो गया मेरा टू बाई थ्री, ये हो गया टू बाई फाइव, ये हो गया टू बाई, ये तो नहीं पता है, तो ये पी बी, यहाँ हो गया टू बाई फाइव इंटू पी बी, इसमें से ये घटा तो कितना आया, थ्री बाई फाइव पी बी, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, टू बाई फाइव, और ये कितना है, टू बाई थ्री, इसको इधर ला के घटा लेंगे तो थ्री बाई फाइव पी बी बराबर क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री माइनस टू बाई फाइव, एल सी एम लेके पंद्रह, पाँच दूनी दस, छः, चार बटा पंद्रह, ठीक है, तो पी बी बराबर आएगा चार बटा नौ, पूछा क्या है, पी बी ही पूछा है, चार बटा नौ, ठीक है। चलिए आगे, ए गिवन बी का सवाल है, बी गिवन ए पूछ रहा है, पी ए बराबर टू बाई थ्री, बी बराबर इतना, ए गिवन बी दिया हुआ, ठीक है, ए गिवन बी दिया है टू बाई थ्री, ए गिवन बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। अपना क्या क्या दिया हुआ है इसमें, पी ए गिवन बी दिया हुआ है टू बाई थ्री, इसको पुट कर दो यहाँ पर, टू बाई थ्री बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, थ्री बाई फोर, तो ये अपना हो गया थ्री बाई फोर, थ्री थ्री यहीं पे कट गया, ये वन बाई फोर इधर जाएगा, तो पी ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू इंटू वन बाई फोर यानी कि वन बाई टू, ये मिल गया अपने को। अब अपने को क्या निकालना है, बी गिवन ए, बी गिवन ए हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, बी इंटरसेक्शन ए हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो, एक ही बात है, निकाल रखे हैं अपन, कितना है, वन बाई टू बटा पी ए, पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, तीन ऊपर जाएगा, ये दो नीचे आएगा, तीन बटा दो गुना दो यानी तीन बटा चार, ठीक है, तो तीन बटे चार अपना आंसर हो गया। अब चलते आगे, सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ठीक है, सत्रह नंबर में है, देखो ए नॉट और बी नॉट दोनों दिया हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ का काम है यहाँ पे, ठीक है,
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, अपने को ये निकालना है, अपने को निकालना है वन माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है एडिशन थ्योरम से, वन माइनस यहाँ पे ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यह ए यह है बी और यह है सी, तो ये जाएगा वन माइनस ए प्लस बी माइनस सी, वन माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर थ्री इवेंट्स ए बी सी प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए, ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, ओनली ए ऑकर, ओनली ए ऑकर मतलब ए ऑकर्स, बी डज नॉट ऑकर, सी डज नॉट ऑकर, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ए गिवन बी का सवाल है। इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, दो में से एक लड़की है कोई, दो में से एक लड़की तो पक्का है, दूसरी भी लड़की है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो गिवन क्या है, बी, बी क्या है कि भैया दोनों गर्ल है या गर्ल बॉय है या बॉय गर्ल है, दीज आर थ्री केसेज। और ए क्या है, अपने को क्या चाहिए कि दोनों गर्ल हो, इसका निकालना है। ऑल केस क्या होता है, सैम्पल स्पेस, जैसे हेड टेल वाले का बनाते हैं वैसे बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर, हाँ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या है, तो इसका इसका इंटरसेक्शन तो बस यही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो ये 1/4 आ रहा है और ये 3/4 आ रहा है, 1/4 बटा 3/4, 4/4 कट गया, 1/3 आंसर है, अपना आंसर हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखना, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ गर्ल है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, यहाँ पे है वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ गर्ल। ठीक है ना, अब आते हैं, टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फर्स्ट कॉइन शोज अ हेड, तो सेकंड कॉइन टेल, तो फर्स्ट कॉइन जाए भाड़ में, अपने को सिर्फ सेकंड कॉइन से, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो सेकंड कॉइन टेल दिखाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी तो 0.5 होता ही है। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, उसके लिए तुरंत अभी दूसरा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला वीडियो, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था खेला, वो आज ख़त्म कर दिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब शुरू कर रहे हैं, सैम्पलिंग थ्योरी वगैरह सब बताया जाएगा, कैलकुलस पेंडिंग है, ख़त्म किया जाएगा। तुम्हारा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम 10 मई से है और आज की तारीख है 24 अप्रैल, तुमको अभी भी 15-16 दिन आराम से पढ़ने के लिए हैं, सो डोंट वरी, तुम्हारे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, सेट सी पे और एडिशनल पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेट सी और एडिशनल से 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम सीपीटी में अब तक तो यही है कि 3-4 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, वो भी है ना, तो सेट सी पे और एडिशनल पे ज़्यादा जोर देने का काम नहीं है, आप लोग लॉ इंग्लिश अकाउंट्स ये सब पे फोकस करो, है ना। तो चलिए फिर, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, कोई डाउट रह जाए तो 8294600829 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, 8294600829 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा डाउट। और आज तो खुश हो गए होगे भैया, आज लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स से खूब सारा सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टाटा।